देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर सुनसान पड़ी जगह भूत पिशाच डायन आदि चीजों का दावा करती है। कहते हैं कि जब लोग अपने पुराने घरों को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद घर के अंदर भूत प्रेत आत्माएं रहने लगती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उड़ीसा में घटी इस घटना को आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी की तरह माना जाता है। कहते हैं कि इस भयानक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था और उसके बाद गांव वालों ने जो किया वो सच में तारीफ के काबिल था। तो आइए जानते रामतार अजी की भेजी गई इस भूतिया कहानी को उन्हीं के अंदाज में। दोस्तों, मेरा नाम रामतार है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। सालों पहले हमारे एक पड़ोसी ने अपना मकान छोड़ दिया था और उसके बाद हमने तय किया कि उस मकान को हम खरीद लेंगे। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमने उस मकान को खरीदते खरीदते अचानक ही अपना विचार बदल दिया। हमने उसी मकान के बगल में एक दूसरा मकान खरीदा था और मैं जिस मकान की बात कर रहा हूँ उस मकान का मालिक उसे छोड़कर अपने खेत में बस गया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और हमें अब उस गांव में रहते हुए लगभग 15वां दिन था। मेरे साथ मेरे मामा का लड़का अंकुश भी आया हुआ था। तो हम दोनों मस्ती मजाक करते हुए कब इधर से उधर घूम जाते हमें पता ही नहीं चलता। यूं ही बात करते करते एक दिन मैं और अंकुश उस मकान की तरफ पहुंचे तो हमने देखा कि उस मकान के अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थी और वो मकान बड़ा ही अजीब लग रहा था। तभी मेरे मामा के बेटे अंकुश ने बोला, भाई वो देख, उस मकान के अंदर कुछ तो है। जैसे उसके बताए मुताबिक मैंने उस मकान के अंदर देखा तो मैंने पाया कि वहां पर मुझे कुछ नजर आ रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई सफेद टोपी वाला आदमी उस मकान के बीच में बैठा हुआ है। मैं बड़ी हैरानी के साथ उस तरफ देखता रहा और उसके बाद मैंने अंकुश से बोला, पता नहीं क्यों लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है। मेरी बात सुनने के बाद अंकुश मेरी तरफ देखते बोला, अरे भाई कैसी बात करता है, वो मकान तो सुनसान है, उसके अंदर कौन हो सकता है। उसके बाद मैं भी थोड़ा हैरान हो गया। फिर मैंने अंकुश से कहा, चल भाई वहां चलकर देख कर आते हैं। हमने ऐसा ही किया। हम दोनों एक दूसरे के कंधे में हाथ डालते हुए तुरंत उस वीरान से पड़े मकान के पास पहुंच गए। और जैसे हम उस मकान के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस मकान के अंदर अभी अभी हमें जो सफेद रंग की टोपी नजर आ रही थी अब वो कहीं भी गायब सी हो गई थी। अब हम ये देखकर बड़े हैरान हो गए और उसके बाद मैंने अंकुश से कहा, लगता है कोई पॉलिथीन थी यार जो हवा की वजह से उड़कर इधर उधर हो गई। फिर उसके बाद हम दोनों इस चीज को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगे। लेकिन तभी पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। हमने जैसे पीछे पलट कर देखा तो हमने पाया कि वहां के एक मकान का दरवाजा एकदम से खुल गया था। मुझे लगा कि घर सुनसान होने की वजह से लोगों ने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया है, इसलिए हवा की वजह से ये दरवाजा ऐसे ही खुल गया। फिर मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा और मैं देखना चाहता था कि इस वीरान पड़े घर के अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है कि इस मकान के मालिक ने इसके ऊपर ताला तक नहीं लगाया। उसके बाद मैं जैसे उस मकान के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अंदर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पर एक दो रजाई और कंबल पड़ी हुई थी लेकिन उसके अलावा पूरे कमरे के अंदर मिट्टी ही मिट्टी बिखरी हुई थी और वहां की धूल ने उस कमरे को पूरी तरह से उथल पुथल कर रखा था जो दिखने में बड़ा गंदा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने अंकुश से बोला, अरे भाई इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। मेरे बगल में खड़ा हुआ अंकुश ऊपर की तरफ देखकर बुरी तरह से डरा हुआ था और अब तक दोपहर के 12 बजे थे और जैसे मैंने उसे डरा हुआ देखा तो मैं तुरंत ऊपर की साइड में देखने लगा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे ऊपर की तरफ कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। इतने में ही अंकुश जोर से चिल्ला पड़ा और वो दो कदम पीछे खिसक गया। मैंने अंकुश से पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तू इतनी बुरी तरह से डरा क्यों। तो उसने कहा, भाई मैंने ऊपर किसी इंसान को चिपका हुआ देखा था। उसकी बात सुनते मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, अरे भाई ये कोई मजाक का टाइम नहीं है यार, चल घर चलकर खाना खाते हैं। उसने इतना ही कहा था कि तभी अचानक ही हवा के एक तेज तर्रार झोंके ने एकदम से सब कुछ उलट सा दिया।
उड़ती हुई धूल हमारी आंखों में गिरने लगी और फिर अचानक उस घर के दरवाजे बंद हो गए। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो दरवाजा टूट चुका था वो अचानक अपने आप बंद हो गया। मैं इधर अंकुश की तरफ देख रहा था तो दूसरी तरफ अंकुश डर के मारे बुरी हालत में चला गया था। किसी तरह से मैंने अंकुश को सहारा दिया और उसके बाद में उसे लेकर घर लौट आया। इस छोटी सी घटना ने हम दोनों को अंदर से हिलाकर रख दिया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो वास्तव में असलियत थी। मैं अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़रूर कोई छोटे मोटे बवंडर की वजह से मुझे ऐसा कुछ नज़र आया होगा। मैंने अंकुश को भी यही कहकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अंकुश को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने ज़रूर किसी भूत को देखा है। फिर उसके बाद जब मैंने अंकुश से साधारण बातचीत करने की कोशिश की, तब जाकर अंकुश ने मुझे बताया कि जब वो दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर इधर उधर की चीज़ों को देख रहे थे तो उसकी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी और उसने देखा कि ऊपर की तरफ एक भयानक सी महिला उसे नज़र आ रही थी। इतना ही नहीं, उस महिला के अलावा उसने सफ़ेद टोपी वाले एक आदमी को भी देखा जिसके दांत बहुत ही भयानक थे। उसकी बात सुनकर मैं हंसते बोला, अरे भाई मैंने तो ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं देखा यार, क्योंकि जब तो ऊपर की तरफ देख रहा था तो मैंने भी ऊपर की साइड में देखा था, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखा। इधर मैं अपने भाई अंकुश को थोड़ा शांत करवाने की कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसका कहना था कि वहाँ पर ज़रूर कोई भूत है। बाद में मैंने किसी तरह से इस बात को ठंडा किया और हम दोनों अपने घर के आसपास ही रहने लगे। अंकुश तो उस मकान की तरफ देखता भी नहीं था, पर जैसे उसकी नज़र उस मकान पर पड़ती तो उसके पसीने छूट जाते। लेकिन अब इस छोटी सी घटना ने मेरे अंदर थोड़ा सस्पेंस बना दिया था। मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके अंदर भूत प्रेत रहते हों। एक बार इस मकान के अंदर फिर से जाना तो बनता है। उस मकान के अंदर लगभग 15 से 16 कमरे थे और उन सभी कमरों में जाने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ता था। तो ऐसे में वो मकान थोड़ा भयानक तो था, लेकिन जितना डरने में मज़ा आता है शायद ही उतना मज़ा किसी और चीज़ में हो। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार उस मकान के अंदर जाना तो बनता है। जब मैंने ये बात अपने एक करीबी दोस्त प्रदीप के साथ शेयर की तो प्रदीप ने बताया कि हो सकता है कि उस मकान के अंदर कोई चोर डाकू रहता हो, तो ऐसे में एक बार हमें चलकर देखना चाहिए। दरअसल मैं प्रदीप के साथ शाम को क्रिकेट खेलने के लिए जाया करता था। वो बंदा भी इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, तो ऐसे में हम दोनों उस मकान की तरफ जाने को तैयार हो गए थे। फिर मैंने प्रदीप को समझाते बोला, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि रात में कोई भी चोर या डाकू उस मकान के अंदर सर्वाइव करे, ऐसे में हमें रात में ही जाकर इसका पता लगाना चाहिए। दोस्तों, रात में उस मकान के अंदर जाना किसी खतरे से खाली तो नहीं था, लेकिन प्रदीप मेरे लिए ये भी करने को तैयार था। तभी उसने बोला, चल भाई कोई बात नहीं, हम आज रात को ही उस मकान के अंदर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर मामला क्या है। हमने रात में ही वहाँ पर जाने का फैसला तो कर दिया था, लेकिन उस मकान को देखकर और उस दिन वाली घटना को याद करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत डर का एहसास तो हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरी एजुकेशन मुझे ये बोलती थी कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ दुनिया में विद्यमान नहीं होती। लोग बस भूत प्रेत नाम की चीज़ का जिक्र छेड़ने के बाद किसी के भी दिमाग में उसकी दुविधा डाल देते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब सच्चाई से सामना हो तो विज्ञान भी झूठा साबित होता है। खैर, रात के करीब 8 बजे के आसपास जब मैं और प्रदीप क्रिकेट खेलकर वापस से घर लौटे तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त प्रदीप को बोला, भाई अब हमें उस मकान के अंदर भी जाना है। वैसे तो उस मकान के अंदर जाना नॉर्मल सी बात थी, लेकिन कुछ दिनों से उस मकान ने मेरे दिमाग में एक अजीब सा गहरा सदमा बना दिया था। हर बार जब मैं उस मकान को देखता तो मुझे उस दिन की वो भयानक दास्तां याद आ जाती और मुझे एहसास होता कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मैं और प्रदीप रात को लगभग 10:30 से 11 के आसपास गाँव में मिले। गाँव में एक चबूतरा था, हम दोनों वहीं बैठकर उस घर में जाने की बातें कर रहे थे। वहाँ पर हमारे और भी दोस्त थे, लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी दोस्त अपने घर चले गए। मैं और प्रदीप अब हम दोनों ही बचे थे। अब हम दोनों को जो काम करना था हम दोनों उसके लिए तैयार थे। फिर उसके बाद मैंने प्रदीप से कहा, चल भाई अब हम उस मकान की तरफ निकलते हैं। प्रदीप ने अपने कदमों को उस मकान की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। वो मकान हमारे घर से
थोड़ा पीछे की तरफ सटा हुआ था और उसी के बगल से एक सड़क गुजरती थी। वो मकान उस सड़क की बिल्कुल जस्ट में बना हुआ था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर इस मकान के बगल में सड़क बनी हुई है तो लोग इस मकान को क्यों नहीं खरीदते। यहाँ पर इतना सस्ता मकान दूसरा कोई मिलता ही नहीं था। ऊपर से मेरे पापा ने भी इस मकान को क्यों नहीं चुना, ये बातें मेरी सोच से परे थी। खैर उसके बाद मैं प्रदीप को लेकर उस मकान के अंदर पहुंच गया। तभी मैंने देखा कि वो मकान बिल्कुल उसी तरह मिट्टी से सना हुआ था जिस तरह से मैंने उसे दिन में देखा था। फिर उसके बाद मैंने प्रदीप से बोला, भाई हमें इस मकान में फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि ये मकान देखने में जितना शांत दिख रहा है ये उससे कहीं ज़्यादा भयानक है। मेरी बात सुनकर वो हंसते बोला, अगर इस मकान के अंदर कोई जंगली जानवर हुआ तो बात अलग है, वरना मैं किसी से नहीं डरता। वो इतना कहकर सीना चौड़ा करके आगे ही बढ़ रहा था कि तभी अचानक एक बार फिर से हवा के झोंके ने हम दोनों को एक ही जगह पर स्थिर कर दिया। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि हम दोनों की आंखों में मिट्टी गिरने लगी और इसी बीच हम दोनों को एहसास हुआ कि उस मकान के बाहर हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। जैसे हमने बाहर की तरफ देखा तो हमने पाया कि एक बाइक वाला उस मकान के बाहर आकर रुका हुआ था। जैसे मैंने देखा कि कोई बाइक उस मकान के बाहर आकर रुकी है तो मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मैंने जल्दी से अपने दोस्त प्रदीप को रुकने को बोला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कहीं सच में कोई गैंगस्टर या चोर डाकू यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। इसलिए मैं और प्रदीप वहीं पर पड़ी एक कुर्सी के बगल में छुपकर अब ये सब देखने लगे। दोस्तों बहुत देर तक हम वहीं पर छिपे रहे, लेकिन वहां पर हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा समय बीतने के बाद अचानक हमें ऐसा लगा जैसे कि कोई अपने जूते पटकते हुए वहां पर दाखिल हुआ है। एक बार के लिए इस आवाज़ को सुनकर मेरे कान खड़े हो चुके थे। मैंने आजू बाजू में देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस अंधेरे में हमें कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। इतने में हमें एहसास हुआ कि कोई बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। हम उसके दो पैरों को अंधेरे में देख सकते थे और उसके वो सफ़ेद रंग के कपड़े उस अंधेरे में हमारी आंखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। फिर इसी बीच मेरे दोस्त प्रदीप ने बोला, भाई चले काम करते हैं, इस आदमी को यहीं पर दबोच लेते हैं। लेकिन मैंने प्रदीप की इस हल्की सी आवाज़ को दबाते हुए बोला, एकदम शांत रहो वरना किसी को हमारे होने का एहसास हो जाएगा। प्रदीप ने मेरी बात सुनकर एक बार फिर से चुप्पी साध ली, क्योंकि हम दोनों इस वक्त मौत के खेल में फंसे हुए थे जहां कभी भी यमराज हमारे सामने प्रकट हो सकते थे। थोड़ी देर तक फिर से वहां पर सन्नाटा पसर गया। हमें अपने सामने जो दो सफेद रंग के पर नजर आ रहे थे अब वो भी कहीं गायब हो गए थे। ऐसे में मैंने प्रदीप को उठने को बोला तो हम दोनों तुरंत ही उस कुर्सी वाली जगह से उठकर इधर उधर देखने लगे। लेकिन दोस्तों हैरान की बात ये थी कि अब हमें वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उसके बाद मैंने प्रदीप को बोला, भाई लगता है जो आदमी यहां पर आया था अब वो यहां से चला गया है, हम दोनों को यहाँ की थोड़ी जाँच करनी चाहिए। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त प्रदीप हम दोनों उस मकान के अंदर इधर उधर घूमने लगे। थोड़ी देर के बाद जब हमने मोबाइल की रोशनी में इधर उधर देखा तो हमारी नज़र बहुत सारी हड्डियों पर पड़ी। उन हड्डियों को देखते मेरी बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि ये हड्डियाँ किसी जानवर की नहीं लग रही थी। इन हड्डियों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी इंसानों की हड्डियाँ हैं, बिल्कुल इंसान की तरह दिखने वाली खोपड़ी और वहाँ अजीब सी मांस की गंध आ रही थी, जिससे तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर लोगों का मर्डर किया जाता है। लेकिन आज तक किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला। और तो और इस मकान से कभी भी इस तरह की दुर्गंध बाहर ही नहीं निकली। हमने वहाँ के लगभग 6 दरवाजों को खोल दिया था और अब हम 6वें दरवाजे में पहुँच चुके थे। 6वें कमरे में हमने देखा कि अब उस दुर्गंध का तेज होना शुरू हो गया था। पहले से वो दुर्गंध अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसी हालत में मेरे दोस्त प्रदीप ने कहा, भाई मुझे लगता है यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा कांड होता है, अब फैसला तेरे हाथ में है, हम दोनों को यहाँ से वापस जाना चाहिए या फिर यहीं पर रुककर इन चीज़ों का पता लगाना चाहिए। अब जब मैं इन कमरों के इतने अंदर आ चुका था तो मैंने सोचा कि अब तो पूरी बात का पता लगाने के बाद ही यहाँ से मैं वापस लौटूंगा, इससे पहले मेरा यहाँ से वापस लौटना हार मानने जैसा होगा। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर इस पूरे मकान की सच्चाई तक पहुँचना चाहता था। तो ऐसे में मैंने अपने दोस्त प्रदीप को बोला, भाई जब तक हम इस चीज़ का पता नहीं लगा लेते तब तक हम इस घर की गहराई में घुसते ही जाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी हद पार क्यों ना करने पड़े।
तभी मेरी बात सुनकर प्रदीप ने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम चुपके चुपके सातवें दरवाजे में पहुंच गए। इस बार हम जैसे उस मकान के सातवें दरवाजे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखने के बाद तो हम दोनों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। दरअसल हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और मेरा दोस्त प्रदीप तो डर के मारे अब बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि हमने देखा कि वहां की दीवारों के ऊपर इंसानों के कंकाल लटके हुए थे और उन सभी के ऊपर हल्का हल्का मांस लगा हुआ था, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि इस मकान के अंदर अभी अभी ताजा ही कुछ कांड हुआ था। अगर वहां एक दो इंसान के कंकाल होते तो भी हम इस चीज को छोटा मोटा कुछ समझ लेते, लेकिन सातवें कमरे की हर दीवार के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े और भयानक दिखने वाले इंसानों के कंकाल लटके हुए थे, जिनको देखने के बाद हर किसी की चीख निकल जाए। किसी तरह से मैं उस भयानक बदबू में आगे बढ़ा और तभी हमारे पीछे का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। इस बार हम समझ चुके थे कि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब है। तभी मेरे दोस्त प्रदीप ने बोला, भाई ये दरवाजा अपने आप ही कैसे बंद हो गया? इस बार प्रदीप की आवाज़ तेज हो गई थी, डर की वजह से अब हम दोनों कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे थे। फिर इसी बीच किसी के हंसने की आवाज़ आई। अब की बार जो आवाज़ हमें सुनाई दी थी उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों के शरीर में सनसनी मच गई, क्योंकि यह आवाज़ कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, ये किसी राक्षस की तरह हंसने वाली आवाज़ थी। हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन उस सातवें कमरे में उस भयानक कंकालों के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। उस कमरे में एक लाल रंग की लाइट चमक रही थी, उसी की वजह से पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था, वरना अब तक हमने जिन कमरों में देखा था उन सभी के अंदर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। हमें लगा कि सातवें कमरे से बचकर हम लोग आठवें कमरे में पहुंच जाएंगे तो शायद हम इस भयानक बला से अपनी जान बचा सकते हैं। ऐसे में मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और उसके बाद दबे पांव सातवें कमरे को पार करके आठवें कमरे में पहुंच गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो वैसे वैसे कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी और मेरी जिंदगी का रास्ता भयानक बन जाएगा। मेरे दोस्त प्रदीप ने बोला, भाई अब हम दोनों को वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन मैंने प्रदीप की बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम यहाँ से वापस लौट कर जाएंगे तो वो शख्स हमारे इंतज़ार कर रहा होगा। अब की बार मैंने जैसे आठवें कमरे में अपना कदम रखा तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये आठ नंबर का कमरा और भी ज़्यादा भयानक था। इस कमरे की बदबू और इस कमरे के अंदर हो रही चीज़ सबसे अलग थी। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद ये इस घर का सबसे खतरनाक कमरा होगा। इसी बीच उस कमरे के अंदर एक लाइट फ्लिप करने लगी और उस फ्लिप करती हुई लाइट की रोशनी में मैंने एक क्रिमिनल को देखा, जिसने पूरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो अचानक ही हवा में उठ गया और उसके बाद एकदम से बोल पड़ा, स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। उसकी बात सुनते हम एक पल के लिए उसी की तरफ देखते रह गए। दरअसल हमने उस क्रिमिनल से बोला, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसा काम कर रहे हो? हमारी बात सुनकर वो क्रिमिनल एकदम से शांत हुआ और उसके बाद उसने बोला, ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर सब कुछ मेरे मुताबिक चलता है। तुम लोगों ने यहाँ पर आने की जो हिम्मत जुटाई है वो तारीफ के काबिल है, लेकिन तुम दोनों आ तो अपनी मर्जी से गए हो, लेकिन मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। अब तुम दोनों को भी मैं दीवार के ऊपर कंकाल बनाकर लटका दूंगा और किसी को भी तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। मैं उस क्रिमिनल का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था तो ऐसे में उसका चेहरा देख पाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर मैंने उस क्रिमिनल से बोला, देखो सच सच बताओ, किस तरकीब से तुम हवा में उठे हुए हो और हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, और तुमने अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया हुआ है? मेरे इतना कहने के बाद वहाँ की फ्लिप लाइट एकदम से ऑन हो गई। इतनी देर से जो लाइट चालू और बंद हो रही थी अब वो स्थिर हो चुकी थी, और फिर जब उस क्रिमिनल ने अपना चेहरा दिखाया तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। जितना मैंने सोचा था उस क्रिमिनल का चेहरा उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक था। उसके चेहरे से निकलता हुआ वो हल्का सा खून उसके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा खुंखार बना रहा था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक शब्द भी आगे बोल सकूँ। इधर मेरा दोस्त प्रदीप भी बुरी हालत में था। प्रदीप ने मुझे हल्की सी आवाज़ में बोला, भाई एक काम कर, पीछे का दरवाज़ा पकड़ और जल्दी से यहाँ से निकल, वरना ये मौत का सौदागर हम दोनों को मौत की खाई तक घसीट ले जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने भी इस बार गर्दन हिलाई और कहा, चल जल्दी भाग।
इतना कहते ही हम दोनों उस आठवें कमरे के अंदर से भागते हुए सातवें दरवाजे के करीब पहुंच गए। अच्छी बात तो ये थी कि वो दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ था। जैसे ही हम दोनों उस दरवाजे से निकले, तब जाकर वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ऊपर से हमने उसे लॉक कर दिया था, तो हमें लगा कि हम दोनों सही सलामत यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सातवें कमरे में हम जैसे ही पहुँचे, तो हमने देखा कि पहले से वो क्रिमिनल वहाँ पर खड़ा होकर हमारा इंतज़ार कर रहा था। वो सातवें कमरे के उस दरवाजे पर खड़ा था जिससे हम दोनों इसके अंदर दाखिल हुए थे। फिर उसने पीछे घूमते बोला, मैंने तुम दोनों को बोला था, तुम दोनों यहाँ आ तो अपनी मर्जी से गए हो, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं निकल सकते। अब हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस भयंकर बला से जिंदा बचकर कैसे लौटें। मैंने उस क्रिमिनल से बड़े आराम से बोला, तुम हमसे चाहते क्या हो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरी ये बेवस आवाज़ सुनकर उस क्रिमिनल ने बोला, बहुत मज़ा आता है मुझे जब तुम जैसे लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। कहने को तो वो एक क्रिमिनल था, लेकिन सच में उसकी करतूत भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं थी। एकदम उसी की तरह बिहेव करना और लोगों को तड़पा तड़पा कर मानना। तो ऐसे में मैंने उस क्रिमिनल से बोला, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं भगवान का नाम जप करके बैठ जाऊंगा। उस क्रिमिनल ने मेरी तरफ देखते बोला, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन आज तुम दोनों की लाशें मैं इन दीवारों के ऊपर लटकाऊंगा। ना तो तुम कभी किसी को मिल पाओगे और ना ही किसी को तुम्हारे बारे में पता चल पाएगा। इतने में ही मेरी नज़र एक बहुत ही कच्ची सी खिड़की पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वहाँ से हल्की हल्की रोशनी अंदर तक आ रही थी। वो एक सीमेंट की खिड़की थी जिसको तोड़कर हम आसानी से बाहर निकल सकते थे। मैंने यही बात अपने दोस्त प्रदीप को बताई। प्रदीप ने जब उस खिड़की को देखा तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने मेरे आइडिया को जबरदस्त बताया और फिर हम दोनों उस क्रिमिनल से बचते बचाते किसी तरह से उस खिड़की को तोड़कर बाहर निकल गए। अच्छी बात तो ये थी कि हम जिस तरफ गिरे हुए थे उसी तरफ मेरा मकान था, तो ऐसे में हम दोनों भागते हुए हमारे मकान के पास पहुंच गए। और जब घर वालों ने हमें इस हालत में देखा, तो उसके बाद हमने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में घर वालों को बताया। तब जाकर मेरे पापा ने बताया कि उन्हें पहले ही पता था कि इस घर में कुछ तो अजीब है, लेकिन इतना अजीब ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था, इसलिए ही उन्होंने इस शानदार घर को नहीं खरीदा था। वरना कोई भी आदमी इतने आलिशान मकान को इतने कम पैसे में कैसे बेच सकता है। फिर उसके बाद हम दोनों ही दोस्तों को मंदिर ले जाया गया, लेकिन पंडित जी ने बताया कि आपके ऊपर किसी भी ऊपरी ताकत का कोई साया नहीं है, आप एकदम सही सलामत हैं। तब जाकर हमारी जान में जान आई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।